मैं बहराइच से बोल रहा हूँ, जिला बहराइच से। मेरा नाम तजम्मुल हुसैन, मैं रहने वाला तहसील मैसी थाना हरदी महाराजगंज जो चंदपारा महाराजगंज कस्बा का रहने वाला हूँ। मेरे बहराइच में कानपुर से आए हुए हाल ही में अभियत अधिकारी विनोद कुमार शर्मा जी द्वारा तेल के मशीन जो लगाए हुए हैं उनको पीड़ित करते हुए हर माह 10,000 रुपये की उगाही कर न देने पर उनका नमूना भरा जाना, सैंपलिंग करना और तमाम अभद्र भाषा का प्रयोग करना, जैसे वो कहते हैं कि आप कटुआ हैं आपको काम नहीं करने देंगे। और मैं कानपुर में इसके पहले तैनात था, जहां पर ये कहते हैं कि मुझे तबाव और शराब की दोनों व्यवस्था बड़े व्यापारियाँ करेंगे। आप लोग इस तरीके से तो क्या मैं इनकी दलाली करूं, लड़कियां सप्लाई करूं? पिछले बार जो है मैं इनको दीपावली में 30,000 रुपये दिए, फिर इस होली में 50,000 रुपये मांग रहे थे, ना देने पर हमको ये 4 नमूने भरे जिसको लैब भेजा गया है, जबकि मेरा तेल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कहते हैं कि मैं आप कटुआ हैं आपको काम नहीं करने दूंगा, तो आप 10,000 रुपये महीने दीजिए तब आपको काम करने, वरना जेल भिजवा दूंगा, आपका नमूना फेल करवा दूंगा, आपका सैंपलिंग हर महीना करूंगा। इस तरीके से मुस्लिम को पीड़ित करेंगे तो क्या काम चलेगा? ये योगी राज्य माननीय मुख्यमंत्री जी के राज्य में हमारे बाबा जी मुख्यमंत्री हैं, बढ़िया सरकार चल रही है, लाइसेंस जारी किए हैं जो फर्जी नियुक्ति पर 1.5-1.5 लाख रुपये 2-2 लाख रुपये लेकर जो जिले में कई गांव से बच्चियां गाय भैंसे वगैरह गायब हो जाते हैं, सब जाके बैरेज में कट जाते हैं। ये 10,000 रुपये रोज लेकर 10 दुकानों से, जिसकी हमारे पास लिस्ट भी है, हमने विभाग से निकाली है, जिसका 10,000 रुपये रोज लेके 1,000 रुपये दुकान ताजे गऊ मांस कटवाते हैं, बच्चियाँ कटवाते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई उच्च अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहा है। कई बार हमने डीएम साहब से भी शिकायत की है और एडीएम साहब से भी शिकायत की, हमने कई पत्र लिखे हैं, मतलब जो है नई माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे देवीपाटन मंडल के कमिश्नर साहब को।